और आखिरकार दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पकड़ा ही गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके पास आएंगे और अपने पोकी बॉल के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पे टेक पोकेमॉन दबाएंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम आपको दाओ साओ गेमिंग चैनल में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पोकेमॉन का मोड। और आज दोस्तों आप लोगों को इस पोकेमॉन के मोड के अंदर इतने ज्यादा पोकेमॉन्स मिलने वाले हैं कि आप लोगों की सोच होगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों ने जरूर देखना है, और अगर तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक आएंगे तो हम इस पोकेमॉन आर्डन का पार्ट 2 भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से मजे मजेदार वीडियोस लेके आते रहें। इस मोड को एक्टिव करने के बाद दोस्तों आप लोगों के हाथ में यहाँ पे कुछ फर्स्ट जनरेशन का कुछ ऐसा सा नजर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे किसी भी ब्लॉक के ऊपर थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है, और आप लोगों के हाथ में यहाँ पे प्रोफेसर ओक आ जाएंगे। और आप लोग प्रोफेसर ओक को जैसे यहाँ पे स्पॉन करेंगे, और आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रोफेसर ओक जो है वो लंबा चौड़ा यहाँ पे कुछ आप लोगों के साथ बातें करेंगे। आप लोग अगर बातें करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे आके सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते रहें। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को प्रोफेसर ओक जो है वो आप लोगों को चार्मेंडर, बर्बसोर और स्क्वेडर में से आप लोगों को कोई से भी तीन पोकेमॉन देंगे। हमें यहाँ पे मिल रहा है बर्बसोर, हम यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे बर्बसोर आ चुका है। हमें यहाँ पे थोड़े से पोकेबॉल भी देखने के लिए मिल रहे हैं, और यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल रहा है पोकी ट्रीट जो को इनको खिला के हम टेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पोकी डेक्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनर कार्ड भी मिल जाएगा, और आप लोगों को यहाँ पे थोड़े से पोकी डॉलर भी मिल जाएंगे जिनके साथ दोस्तों आप लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने पोकेमॉन जो है उसको आप लोगों ने यहाँ पे स्पॉन करना है। स्पॉन करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने पोकेमॉन को अपनी पोकी ट्रीट खिलानी है ताकि आप लोगों का टेम हो जाए, और आप लोग फिर जहाँ जहाँ पे भी जाएंगे आप लोगों का जो पोकेमॉन है ये आप लोगों के पीछे पीछे आता रहेगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इसकी पावर चेक करनी है तो आप लोगों ने यह करना है, आप लोगों ने अपना पोकेडेक्स ऑन करना है और अपने पोकेमॉन के पास आना, और आप लोग देख सकते हैं सी रिकॉर्ड ऑफ द पोकेडेक्स आप लोगों ने यहाँ पे स्कॉन करना है, और आप लोग देख सकते हैं इस पोकेमॉन की जितनी भी हिस्ट्री है वो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे पोकीबॉल भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि आप लोग किसी भी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बर्ड सी मिल रही है, इस बर्ड का मुझे नाम नहीं याद है ये क्या है, क्योंकि हमें काफ़ी अर्सा हो गया पोकेमॉन देखे। अगर आप लोगों को पता है दोस्तों तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और दोस्तों आप लोगों का फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है ये भी आप लोगों ने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अभी फिलहाल इस पोकेमॉन को पकड़ते हैं, आप लोगों ने इसके ऊपर थ्रो करना है, और आप लोग देख सकते हैं हमारा पोकीबॉल जो है इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों हमसे ये पकड़ा नहीं गया। एक दफ़ा इसके ऊपर फिर टैप करके देखते हैं, ये फिर पकड़ा गया, लेकिन दोस्तों हम फिर नाकाम रहे। इसको थोड़ी सी देर लगेगी दोस्तों, हम जरा इसको पकड़ लेते हैं। तब तक दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आखिरकार दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पकड़ा ही गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके पास आएंगे और अपने पोकेबॉल के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पे टेक पोकेमॉन दबाएंगे, और हमारा यहाँ पे पिजिट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसको अपनी पोकी ट्रीट खिला के इसको टेम कर लेंगे, और दोस्तों ये भी हो चुका है हमारा पोकेमॉन। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने इनको वापस लेना है अपनी इन्वेंट्री में तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने पोकेमॉन के पास आके यहाँ पे क्राउच करना है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा आ रहा है आई रिटर्न पोकेमॉन, यहाँ पे इसको दबाएंगे और हमारा यहाँ पे पोकेमॉन जो है हमारे पास वापस आ जाएगा हमारी इन्वेंट्री में। और ये बल्बसोर भी यहाँ पे भाग रहा है, इसको भी फटाफट से वापस ले लेते हैं, और ये भी हमारे पास हमारा वापस आ चुका है। और दोस्तों जितना आप इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहेंगे आप लोगों को उसी हिसाब से नए नए काफ़ी ज़्यादा पोकेमॉन्स और भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक नया पोकेमॉन मिला है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम आप लोगों ने अपनी इन्वेंट्री में आना है। इन्वेंट्री में आने के बाद दोस्तों जब आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे फोर्थ ऑप्शन में आके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को कितना कुछ देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पे सिंपल पोकीबॉल से लेके यहाँ पे आप लोगों को मास्टर बॉल भी देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और आना है, और ये सारे फेंटेड पोकीमॉन्स हैं जो कि आप लोगों के पोकीमॉन्स आउट हो जाते हैं वो यहाँ पे होते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आना है अपने स्पॉन एक्स के अंदर। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने स्पॉन एक्स में भी आके थोड़ा सा नीचे आना है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे कितने ज़्यादा पोकीमॉन्स देखने के लिए मिल रहे हैं।
और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितने ज्यादा पोकेमॉन्स हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बाइसिकल भी देखने के लिए मिलेगी, जिसके ऊपर दोस्तों आप लोग बैठ के अपना पूरा वर्ल्ड जो है इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे टीम रॉकेट भी देखने के लिए मिलेगी, आप लोगों को इनसे बच के रहना होगा, नहीं तो आप लोगों के लिए जितने भी पोकेमॉन होंगे, जितने भी पोकेबॉल्स होंगे, ये आप लोगों के सारे छीन लेंगे। आप लोग दोस्तों इनसे फाइट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों जब आप लोग इनके ऊपर टैप करेंगे अपना पोकेमॉन जो है वो स्पॉन कर लेंगे, और आप लोगों के पास जो सा भी पोकेमॉन होगा आप लोग उसके साथ फाइट भी कर सकते हैं। तो इस मोड में दोस्तों और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग वो खुद ही देख लीजिएगा, और आप लोगों ने हमें डाउनलोड करके कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये मोड आप लोगों को कैसा लगा। तो अब चलते हैं दोस्तों इस मोड को डाउनलोड करने की तरफ। तो इस मोड को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने अपने ब्राउजर में आकर लिखना है mcpedl.com, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ से इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे mcpedl की पूरी वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे सर्च के अंदर आएंगे और यहाँ पे सर्च के ऊपर लिखेंगे serp, उसके बाद आप लोगों ने इसको सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने आ जाएगा सर्व पॉकेट रॉक 1 पोकेमॉन एडन, आप लोगों ने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। और इस मोड को डाउनलोड करने से पहले इस मोड के क्रिएटर का नाम भी यहाँ पे देख लेते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका ये इस मोड को बनाने के लिए। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे आप लोगों को यहाँ पे सारे पोकेमॉन्स की सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पे पोकेबॉल की रेसिपीज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और काफी ज्यादा नीचे आने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे डाउनलोड्स लिखा है, डाउनलोड्स में आप लोगों को यहाँ पे चार ऑप्शन नजर आ रही हैं, आप लोगों ने इन चारों को बारी बारी से दोस्तों डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों mcpedl से मोड को डाउनलोड करने का तरीका जो है वो हमने अपनी इस वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग ये वाली वीडियो को देख के इस मोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इस मोड को एक्टिव करने की तरफ। तो इस मोड को एक्टिव करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने अपने जेड अचीवर में आ जाना है। जेड अचीवर में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपने डाउनलोड में आना है, और डाउनलोड में आने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे सर्व पॉकेट रॉक के जो चारों फाइल्स थी उनको हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे रिसोर्स पैक के ऊपर टैप करना, और व्यू के साइड पर जो बटन है आप लोगों ने इसको दबाना है एरो को। उसके बाद आप लोगों ने इसको अपनी क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के साथ ओपन कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरीके के साथ दोस्तों आप लोगों ने चारों फाइल्स को अपनी क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग को जो है वो माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारी क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग जो है वो माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली प्ले का बटन दबा के एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लेंगे, और अपने न्यू वर्ल्ड का नाम रखने के बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने रिसोर्स पैक में आके माई पैक में आके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे तीन फाइल्स मिल रही हैं, आप लोगों ने इन तीनों को एक्टिव कर लेना है। उसके बाद बिहेवियर पैक में आके दोस्तों आप लोगों ने माई पैक में आके आप लोगों ने इसको भी एक्टिव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली क्रिएट का बटन दबा देना है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम अपने वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं, और हमारे हाथ में यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के पोकेमॉन्स भी हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर ओक भी आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।